भूषण ज्वेलर्स। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी बगेरी प्रबंधन द्वारा चालकों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखने को लेकर ट्रक चालकों द्वारा प्रदर्शन किया गया। हिमाचल मोटर चालक संघ के बैनर तले इस प्रदर्शन में ट्रक चालकों द्वारा बगेरी सीमेंट कंपनी के गेट के बाहर रोष प्रकट किया गया। ट्रक चालकों का कहना है कि बगेरी में स्थित पार्किंग ग्राउंड कच्चा होने के कारण उड़ रही धूल से चालकों को सांस संबंधित बीमारियां लगने के साथ ही बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इनका कहना है कि बगेरी रेस्ट रूम न होने और प्लांट के बाहर कोई शौचालय न होने से उन्हें मजबूरी में ठंड के मौसम में खुले में जाना पड़ता है। चालक कहते हैं कि कई घंटे गाड़ी चलाने के बाद जब ड्राइवर माल लेकर प्लांट पर पहुंचता है तो प्रबंधन के कर्मचारी उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। ट्रक चालकों का कहना है कि सीमेंट प्रबंधन की अनदेखियों के चलते चालक पिछले कई वर्षों से चुप रहे, लेकिन अब ड्राइवर शांत नहीं बैठेंगे। जो है मार रहे हैं यहाँ पे, हम लोग का बहुत शोषण किया जा रहा है यहाँ पर, जो है ना तुम्हारी कंपनी, ना प्रशासन, ना प्रदेश सरकार 1% भी ड्राइवर को सोचने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। यहाँ पर हमें जो है पिछले 12 सालों से जो है रेस्ट रूम नहीं बनाया गया है, क्योंकि गर्मियों में गाड़ी के अंदर 40 से 50 डिग्री का टेम्परेचर बनता है। क्या लगता है उसमें जो है गाड़ी में बैठ सकते हैं आप? ये खुद तो जो है अंदर एसी की रूम में बैठते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी करने आते हैं, लेकिन जो ड्राइवर 24 घंटे गाड़ी लेके आएगा, थका हारा बेचारा आएगा, वो जो है 50 डिग्री के टेम्परेचर में क्या लगता है सो पाएगा? रेस्ट रूम में हम सभी ड्राइवर भाइयों को नहीं दिया गया है। साथ ही पिछले 12 सालों में हमारे लिए सस्ते और अच्छे खाने की कैंटीन की व्यवस्था इनके लोगों के द्वारा मुहैया नहीं करवाई गई है। साथ ही हम लोग जब गाड़ियां जैक के ऊपर खाली करने जाते हैं ऊपर, आप एक बार वहां पर जाके देखें ग्राउंड जीरो पे, वहां पर जो है इतनी धूल है कि जब जैक से गाड़ी जो माल उतरता है पूरा ड्राइवर जो है सीमेंट से उस केमिकल वाली धूल से पूरा जो है वहां ख़राब हो जाता है। तो क्या लगता है जब ये केमिकल वाली धूल उसके अंदर आएगी? एक तरफ ये लोग बात करते हैं कि हम लोग जो है ड्राइवरों को सुरक्षा देना चाहते हैं, आप पीपी किट पहन के ड्राइवर जो है गेट के अंदर एंटर करें, क्या वो ड्राइवर की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है कि वहाँ पर जो है जो धूल केमिकल वाली ड्राइवर के अंदर जा रही है उसके अंदर उसको क्या पता है 10 साल के बाद उसको टीबी हो जाएगी, उसको जो है एलर्जी हो जाएगी, वो काम करने का काबिल नहीं रहेगा। ये सब जिम्मेदारी इन सभी की ये जिम्मेदारियाँ बनती है। जैसे भी हमारी कंपनी में किसी भी ड्राइवर के साथ कोई हादसा होता है, उसे 2 साल पहले करीब यहाँ ही इसी गुंटे के साथ मेरे गाड़ी का टायर फटा, और जब मेरी गाड़ी का टायर फटा तो यहाँ जो भी कर्मचारी थे अपने सिक्योरिटी भाई थे कोई भी थे, उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, कहते हैं हमारे पास कोई कहने अंदर जाओ आप अंदर बात करो। तो मेरे को जो है 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ सर मैं, तो कोई सुविधा नहीं मिली, ना इनके पास कोई एम्बुलेंस थी, ना इनके पास कोई डॉक्टर था, कहते आप वहाँ चले जाओ प्राइवेट दवाई लो। तो मेरे को अपने ड्राइवर भाई यहाँ से नालागढ़ ले गए, नालागढ़ से मेरे को PGI रेफर कर दिया, ना तो हमारे को कोई कंपनी से कोई कोई सुविधा मिली, ना हमारे किसी मालिक ने सुनी मेरी। हिमाचल मोटर चालक संघ पूरे प्रदेश में ड्राइवर भाइयों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है। अल्ट्राटेक का जो बघेरी वाला प्लांट है जो कि पंजाब सीमा के साथ है, वहाँ पर हमारे ड्राइवर भाइयों की जो समस्याएं हैं वो पिछले 12 वर्षों से कंपनी नज़रअंदाज कर रही है। यहाँ पर ना तो उचित पार्किंग की व्यवस्था है और ना ही पीने के स्वच्छ जल की व्यवस्था है, यहाँ पर ना तो कोई स्नानागार है, और जो शौचालय यहाँ पर बनाए गए हैं उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। हमारे ड्राइवर भाइयों को प्रतिदिन यहाँ पर बहुत ही धूल का, बहुत ही खतरनाक धूल का, जिससे कि बहुत सारे रोग होने की आशंका है, उनका सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।